तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं रैखिक समीकरण को हल करने का। अच्छा ये बीजीय तरीका नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या है, ए का मान ज्ञात करना है ना, ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। और मान ज्ञात क्या करना है, जिससे निकाय का अद्वितीय हल हो, निकाय का क्या हो, अद्वितीय हल। तो निकाय का अद्वितीय हल हो इसके लिए हमने क्या बताया है, इसके लिए कंडीशंस देखते हैं। a1 by a2 equal to b1 by b2 but ये equal to नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां एक आप ऐसा कौन सा मान रखें जो इस रैखिक समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। मतलब a1 by a2 not equal to b1 by b2। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस समीकरण, दो समीकरण है, ठीक है, समीकरण का a1 a2 क्या है और b1 b2 क्या है। a1 क्या होता है, x का गुणांक, तो a1 equal to 9। b1 क्या हो गया, y का गुणांक, तो b1 equal to 8। a2 equal to क्या आ गया, x का गुणांक 3। और b2 equal to क्या आ गया, y का गुणांक 4। अब कंडीशन में बैठा दीजिए, कंडीशन क्या आता है, a1 by a2 not equal to b1 by b2 और इसी तरह बैठाइएगा 9 by 3 not equal to a by 4। अब देखते हैं 36 क्या आएगा, 36 not equal to 3 इधर जाएगा तो 3 है, और यहां से क्या आ गया, a not equal to 36 बटे 3, तो क्या आ जाएगा, 12। मतलब a जो है not equal to क्या आ गया, 12। मतलब a का वैल्यू अगर यहां 12 बैठाते हैं, ठीक है, तो मतलब a का वैल्यू 12 यहां जो है नहीं होगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। a not equal to 12, a not equal to 12, तो a का वैल्यू जो है 12 नहीं होगा। और देखिए 12 हो जाएगा तो 3 से 3, 4 से 12 भी 3, तो नहीं होगा। a1 by a2 equal to b1 by b2 हो गया, लेकिन अद्वितीय हल का कंडीशंस क्या होता है, a1 by a2 not equal to b1 by b2 होना चाहिए, तो a का वैल्यू यहां 12 नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, पहले हम कह दिए थे क्या होगा, a का मान जो है 12 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, चलिए उसी तरह है, a1 3 b1 2 a2 a और b2 ये क्या है, -1, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो a गुना x प्लस -1 गुना y इक्वल टू 3, तो ये क्या आ गया, b2। अब यहां से क्या आ गया, a1 by a2 not equal to b1 by b2, अद्वितीय हल का यही है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, a1 3 बार a not equal to क्या आ गया, 2 बार -1, तो -3 not equal to 2a, तो a not equal to -3 बार 2, मतलब a का जो मान है वो -3 बार 2 होगा, और ये नहीं होगा, तब यहां पे जाके ये क्या होगा, अद्वितीय हल को शो करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप घबराना मत, ठीक है, क्योंकि आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा और ये होगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ए का मान ज्ञात करें, ठीक है, ए का मान ज्ञात इसलिए करना है कि अद्वितीय हल हो, ठीक है, तो 12 नहीं होगा, सीधा जाने के 12 नहीं होगा। यहाँ जाते हैं ए का मान क्या होगा, -3 बटे 2 नहीं होगा, अगर यहाँ बैठा दिए तो ये इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। तो -3 बटे 2 ए नॉट इक्वल टू -3 बटे 2, तो कुछ नहीं करना है आपको, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये कंडीशन जानते हैं, इस प्रोसेस को जानते हैं, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, और आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं जानना है, वो ए का मान खुद ब खुद निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।